गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। चलो बेटा देखो, तो बेटा केमिकल काइनेटिक्स की हम बात कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। तो क्वेश्चंस किए हैं हमने घर पे, कुछ बच्चों के ने तो मुझे सेंड भी किया है क्वेश्चंस करके, दैट्स वेरी गुड। कैसे के बेटा किए तो हो पा रहे सर हैं? इसमें डाउट था सर मेरे को, किसमें बेटा? ठीक सूडो फर्स्ट ऑर्डर। है, इस पे डिस्कस वापस कर लेंगे। और बताओ, बाकी और क्वेश्चंस ट्राई करोगे तभी भी पता चलेगा बेटा सीख पा रहे हो या नहीं, क्योंकि मेनली आपके थ्योरिटिकल मतलब फॉर्मूले टाइप से बेटा पे चैप्टर में उनको अप्लाई करना है, तो मेन सारा उसी पे बेस्ड है। तो ट्राई करो तभी ठीक से देखो समझ में आएगी चीजें। बेटा वापस से बेटा एक बार क्विकली देख लेते हैं, व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर। बेटा सिंपल समझो, एक ऐसी रिएक्शन है जो होती तो अदर ऑर्डर की है, लेट्स से थ्योरिटिकली, बट प्रैक्टिकल पर्पज से हम ऐसा मान सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे बेटा? बात मैंने एग्जाम्पल से भी समझाया आपको। ये जनरली कब होता है, कब ऐसा मानते हैं हम? तो बेटा जब भी रिएक्टेंट्स में से कोई अदर रिएक्टेंट जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट में हो, तो बेटा इसमें देखो क्या होगा, आपका बी को यहां लोगे, बट सिंस बी का अमाउंट नेग्लिजिबली चेंज हो रहा है तो रेट पे बी से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसा कि मैंने सिखाया बेटा, समझाया कि मान लो पहले 100 था और बाद में मेरी रिएक्शन, सॉरी बाद में रिएक्शन खत्म भी हो गई, तो भी बी का अमाउंट तो चेंज हो गया 99.9 ही है। तो बेटा रेट में यहां मैं 100 लिखूं चाहे 99.9, बी की वैल्यू ज्यादा अफेक्ट करेगी ही नहीं। समझ आ रहा है क्या? ये सर ये तो समझ आ गया, मगर सर ये बी को कांस्टेंट क्यों लिया सर, के बेटा साथ ये समझ नहीं आया। बेटा एक्चुअल में भी चेंज नहीं हो रहा। इससे सपोज करो यदि हम इस रिएक्शन को नॉर्मल करते तो क्या मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर मान सकता हूं क्या, यदि मैं बी को नो कांस्टेंट ना सर, मानू तो? नहीं, ये सेकंड ऑर्डर होती है और सेकंड ऑर्डर डील करना बहुत मुश्किल होता है बेटा। तो एक वैलिड अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं कि यदि एक रिएक्टेंट बहुत लार्ज होता है तो उसको चेंज मानते नहीं है, उसकी वैल्यू को ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट मान के इसको फर्स्ट ऑर्डर बना दिया जाता है। ऑलमोस्ट बेटा आंसर्स वगैरह सब एग्जैक्टली सेम से ही आते हैं, न के बराबर एरर आता है। ऐसे तरीके करने पड़ते हैं बेटा बहुत बार हमें, जिसमें हम किसी तरह से रिएक्शन को, हम तो ऑर्डर बेटा रिड्यूस कर रहे हैं कैलकुलेशन पर्पज से। सेकेंड ऑर्डर मानूंगा तो डिफरेंट तरह से कैलकुलेशंस होगी, फर्स्ट ऑर्डर में थोड़ा आसान पड़ जाता है तो फर्स्ट ऑर्डर हमने करने के लिए चीज कर ले। यदि होता है तो ही करता है, ऐसा नहीं मनमर्जी से कर दिया। यदि बी एक्सेस में होगा, नहीं होता तो ये सेकंड ऑर्डर ही होती है, यदि ऐसा रेट होता तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, यस सर। तो ये थोड़ा सा एक ध्यान रखने का है। डोंट वरी बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो देख के पहचान जाते हो आप, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में डेटा और वैल्यू देख के पहचान जाते हो कि क्या होने वाला है या कैसे हो रहा है। एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देखते हैं बेटा इसका क्विकली। वो एग्जाम्पल क्या बोलता है देखो बेटा, आप सबने छोटी क्लासेज में भी पढ़ा हुआ है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और नहीं भी पढ़ा तो हम ऑर्गेनिक में देखेंगे इसको। वैसे मुझे जहां तक रिमेम्बर है 10th तक शायद सबने पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी में भी था ये बेटा। ये तो एस्टर्स के हाइड्रोलिसिस से, एस्टर का बेटा हाइड्रोलिसिस होता है H2O प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, और इसके हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है किसी को रिमेंबर हो तो? एस्टर प्लस H2O। ऑलमोस्ट सबने ये रिएक्शन कभी ना कभी पढ़ी है लाइफ में, एसिड एसिड प्लस एल्कोहल। ऑलमोस्ट सबने पढ़ी है, सबने बेटा लाइफ में कभी ना कभी रिएक्शन पढ़ी है, 10th में 100% पढ़ी है सबने। चलो बेटा देखो, तो एस्टर के हाइड्रोलिसिस से एसिड और एल्कोहल बनता है। दिस इज अ वेरी कॉमन रिएक्शन, जब मैं बोल रहा हूँ बेटा 10th तक पढ़ी हुई है हमने, सबने पढ़ी हुई है 10th क्लास में। सो H2O और H+। बट इस रिएक्शन में देखो बेटा तीन रिएक्टेंट एक तरह से लग रहे हैं हमें, कि देखने में तीन रिएक्टेंट जैसे है, बट यहाँ पे एक केच है कि ये दोनों जो रिएक्टेंट है ना यहाँ पे, मतलब एक तो मीडियम ही है एसिडिक, और एसिडिक मीडियम रहता है और H2O रहता है,
ये मीडियम मतलब सॉल्वेंट है एक तरह से बेटा, तो ये लार्ज एक्सेस में रहते हैं, वाटर रिएक्शन में भी काम आता है और वाटर बेटा एक्चुअल में एक्सेस में भी सॉल्वेंट का भी काम करता है। सो दिस इज वेरी लार्ज एक्सेस। सोच के देखो बेटा सॉल्वेंट है तो कितना ज्यादा होगा। इसकी रेट यदि हम देखें तो थ्योरिटिकली हमें लगता है बेटा कि रेट होनी चाहिए KH+ H2O और एस्टर, ये हमें थ्योरिटिकली लगता है कि ऐसा होना चाहिए इसका रेट। बट प्रैक्टिकली देखते हो तो क्या इनको वैल्यू को कांस्टेंट मान सकता हूं? यस तो सर। एक्चुअल में बेटा हम इसके रेट को, इसके रिएक्शन जो भी एस्टर हाइड्रोलिसिस होता है उसको हम फर्स्ट ऑर्डर कंसीडर कर लेते हैं, और एक तरह से कह सकते हो सूडो फर्स्ट ऑर्डर कर सकते हैं केडेश टाइम्स एस्टर। सो इस तरह से रिक्के फिर इसके सारी डील हो जाती है बेटा आपकी आगे की जितनी भी है। अब फर्स्ट ऑर्डर टाइप से हो गई, केडेश विल बी द कॉन्स्टेंट, तो फिर जो भी कुछ करना है हमें वी कैन डू इट हियर। गुड। सर। ठीक है बेटा, हमें आई होप समझ आ रहा है हमें। यस सर। हाँ चलिए बेटा आगे बढ़ाते हैं फिर कहानी को। एग्जांपल लिख लें क्या? क्या बेटा? हाँ लिख लो एग्जाम्पल, क्विकली लिख लो बेटा जल्दी से। जस्ट राइट डाउन द एग्जाम्पल। सर जल्दी से कर लो बेटा। अब बेटा हम कुछ ऐसा पोर्शन देखेंगे जो थोड़ा मैथमेटिकल है और काम में आता है रेट डिटरमाइन, ऑर्डर डिटरमाइन करने में ना। मैं बोल रहा था आपको ऑर्डर डिटरमिनेशन करना सीखेंगे हम, तो उसका पोर्शन अब हम मेनली देखने वाले हैं। चलो बेटा, तो बेटा ऑर्डर डिटरमिनेशन की जब हम बात करते हैं तो ऑर्डर डिटरमिनेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, मतलब देखा जाए तो काफी मेथड्स में तोड़ दिया जाता है। बट मेजोरिटी में हम जो मेथड देखने वाले हैं बेटा वो तीन मेथड हम डिटेल इसमें देखेंगे थोड़ा, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये जो है जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, ये डायरेक्टली हमारे सिलेबस के साथ एसोसिएट नहीं है, मतलब अपन सिलेबस को देखेंगे तो उसमें डायरेक्टली हमारे पास गिवन नहीं है, बट न्यूमेरिकल्स जो है वो सारे इन पे बेस्ड होते हैं, न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो बेस्ड होते हैं इन पे, तो कहीं ना कहीं हमारे ये दिमाग में रहना चाहिए और बुक में भी बेटा दिया हुआ रहता है इनके बारे में। तो कुछ कुछ मेथड्स हम डिटेल में एक बार बात करेंगे कि किस तरह से यूज किए जाते हैं होने के लिए। तो बेटा एक्चुअल में काइनेटिक्स एक ऐसी स्टडी है जो पूरी स्ट्रीम है, मतलब एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, तो होने के लिए अनलिमिटेड मेथड्स है यहाँ पे, बट हम वो मेथड्स देखने वाले हैं जिनके रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस है और जिनसे हमारे क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा बेटा, यह हमें जनरली काम आएगा। तो सबसे पहला मेथड हम देखेंगे दैट इज ग्राफिकल। तो हम ऑलरेडी जो पढ़ चुके उसी पे बेस्ड चलेगा ये, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ नई बात होने वाली है, जो भी कुछ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं उसी पे बेस्ड ही चलेगा। तो बेटा ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, ध्यान से सुनो और समझो बेटा। हमें कुछ टेबल दी हुई होगी बेटा, हमें कुछ डेटा दिया होगा, हम कुछ रिएक्शन करके डेटा बना लेंगे। प्रैक्टिकल कैसे प्रैक्टिकल करते बेटा, तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। हमने क्या किया, मान लो कोई रिएक्शन करवाई और बेटा हमने डेटा को नोट कर लिया रिएक्शन के, कुछ कुछ डेटा को, जैसे सबसे पहले टाइम, उसके बाद बेटा कंसंट्रेशन,
कंसेंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट की और मान लो रेट क्या है रिएक्शन की, ये हमने नोट किया आप अपने पास में, टेबल बना लिया हम एक्सपेरिमेंट करके। तो मान लो बेटा जीरो टाइम पे कंसेंट्रेशन था सी नोट और रेट था बेटा आर नोट। मान लो किसी टाइम टी वन पे कंसेंट्रेशन हो गया बेटा सी वन, रेट हो गया आर वन। मान लो किसी टाइम टी टू पे बेटा कंसेंट्रेशन हो गया सी टू, रेट हो गया आर टू। एंड दिस कीप ऑन गोइंग, है ना, हमारे पास जितने डेटा चाहिए हम ले सकते हैं, वो हमारी इच्छा है कि हम कितने डेटा लेना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जनरली जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं लगभग पांच रीडिंग बेटा आप लेते हो। आप केमिस्ट्री लैब में भी जब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करोगे तो यू प्रीफर द फाइव रीडिंग्स। अब बेटू यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखो, हमारे पास में ये एक्सपेरिमेंट्स हमने देख लिए, अब हम करते क्या है उसको ध्यान से देखना बेटा। हम दो तरह के ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहली स्टेप होगी बेटा स्टेप वन, जब भी ऐसा होगा ड्रॉ ग्राफ। ठीक है बेटा, हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे इनसे, जो डेटा दिया होगा उसका ग्राफ बना लेंगे। मेनली दो तरह के हम ग्राफ बनाते हैं बेटा यहाँ पे, एक होता है हमारे पास में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं जो भी डेटा दिया होगा। देखो जी कंसेंट्रेशन भी पता है डिफरेंट टाइम पे और टाइम भी पता है, तो तुम्हें पता ही है बेटा इसको वाई मान लिए इसको एक्स, तो एक्स कोमा वाई करके ग्राफ बना ही सकते हैं पॉइंट्स का, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? यस सर। बिल्कुल। और दूसरा ग्राफ बनाते हैं बेटा हम, दो ग्राफ हम जनरली ड्रॉ करते हैं और सेकेंड ग्राफ हम बनाते हैं रेट का टाइम के साथ। तो बेटा इन दोनों ग्राफ का जो नेचर होता है, स्टेप टू हम क्या करते हैं बेटा, आइडेंटिफाई यूज ऑर्डर यूजिंग ग्राफ्स, आइडेंटिफाई ऑर्डर यूजिंग, इसकी जगह से लिखो बेटा बाई कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड ग्राफ्स। तो बेटा देखो अपने जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है सिलेबस का पार्ट, तो हमें कोई ऐसा ग्राफ तो देगा नहीं जो मतलब कुछ भी आ जाए, तो हमें अब कैसे पता करें स्टैंडर्ड ग्राफ का मतलब क्या हुआ? बेटा याद करो हमने जब फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर पढ़ी थी तो आपको कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ बनवाए थे, ये देखो याद आ रहा है क्या? यस तो सर। कंसंट्रेशन का टाइम के साथ देखो ग्राफ, रेट का टाइम के साथ ग्राफ देखो, इसी तरह बेटा देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर जब पढ़ी हमने वहां पे भी आपको स्टैंडर्ड ग्राफ्स बनवाए थे। तो बेटा क्या होगा, जो डेटा दिया होगा उससे तुम जब ग्राफ बनाओगे ऐसे, तो हम स्टैंडर्ड ग्राफ से उन ग्राफ को कंपेयर करेंगे, तो जो ग्राफ हमारा जिस तरह का होगा, मान लो जीरो ऑर्डर जैसे है या फर्स्ट ऑर्डर जैसे, उससे हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है। दिस इज अ जनरल मेथड, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा इससे फर्स्ट और जीरो ऑर्डर ही पता चलती है, एक्चुअल में हमारे सिलेबस में ये है। तो साइंटिस्ट के पास क्या है बेटा, चार्ट ऐसा समझो, साइंटिस्ट ने खूब तरह की ऑर्डर मतलब जो स्टैंडर्ड ऑर्डर होते हैं, मान लो सेकंड थ्री फोर्थ ऑर्डर की जब रिएक्शन मिलती है जनरली, उन सब के साइंटिस्ट ने ग्राफ बना के रखे हुए अपने पास में। समझ में आ रही है तुम लोगों को बात जो समझाना चाह रहा हूं, बात को समझे? सर मतलब वो से ग्राफ को कंपेयर करते हैं हाँ, तो बेटा पहले तो तुम डेटा से ग्राफ बनाते सर, हो। जिससे, हाँ सर जिससे ज्यादा मैच हाँ करा तो मतलब वाला ऑर्डर बिल्कुल है। बिल्कुल, उस तरह से हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट। तो तुम डेटा से ग्राफ्स बनाते हो और फिर ग्राफ को, उनके पास स्टैंडर्ड ग्राफ है, वो इस ग्राफ को और उन ग्राफ को साइड में रखते हैं और फिर मैच करते हैं कि किससे ग्राफ मैच बैठ रहा है स्टैंडर्ड ग्राफ्स में से, वो ऑर्डर अपना बन जाता है। क्या बात समझ में आ रही है यस सर। बेटा? और सभी बच्चे पल्ले पढ़ी कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते बेटा, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी, हम एक्सपेरिमेंट कर करके लेते हैं। तो किसी तरह से एक्सपेरिमेंट से हमें डेटा मिला, बस सिर्फ डेटा को देख के डायरेक्ट कोई कुछ नहीं बोल सकता, तो हमने क्या किया, ग्राफ बनाए इनके और ग्राफ को स्टैंडर्ड ग्राफ से कंपेयर किया, एंड आइडेंटिफाई ऑर्डर बाई कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड ग्राफ। तो इस तरह से ये पहला मेथड होता है जिसमें हम कंपेयर करके ऑर्डर निकालते हैं। क्लियर? तो जल्दी से इसको लिख लो बेटा, क्विकली राइट इट डाउन। सो मेथड डिटरमाइनिंग का क्या हो जाएगा बेटू, पहला ग्राफिकल मेथड। करते कैसे हैं, गिवन डेटा से ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनने से कंपेयर करो किसका ग्राफ है, दैट्स इट, अ वेरी सिंपल मेथड।
बट अपने बोर्ड में बेटा नहीं, रेयरली पूछा जाता है ये, तो मैं एक हिंट लिख देता हूँ, रेयरली आस्क्ड इन बोर्ड्स, कि बेटा ग्राफ उतना स्केल्ड अप बन नहीं पाता है, ठीक है, और बोर्ड फिर प्रिफर करता है ग्राफ पेपर दिए जाए, तो कम पूछा जाता है ये मेथड, क्वेश्चंस मिल जाएंगे बेटा हमें बुक में। सब प्रैक्टिकल्स में पूछ सकते हैं वाला। हाँ प्रैक्टिकल्स तो बेटा प्रैक्टिकल है नहीं शायद बेटा, काइनेटिक्स से रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल नहीं है अपने 12th में, लेट्स सी अब आईसीएसई में बेटा है तो सर है दे नहीं कुछ सर, सकता। हमें बोले थे कि ना डेट निकालनी पड़ेगी। अच्छा है दिए हुए फिर तो ठीक है बेटू। यस सर। बाकी मेनली प्रैक्टिकल बेटा सोल्ट एनालिसिस से रिलेटेड होते हैं केमिस्ट्री में आपके, मेजोरिटी ऑफ प्रैक्टिकल्स जो यस होंगे। हाँ सर। और सर टाइट्रेशन भी कुछ होता है। उससे रिलेटेड ही होते हैं बेसिक बेसिक चीजें। ठीक है क्विकली लिखो बेटू इसे, फिर सबसे इंपॉर्टेंट मेथड की तरफ चलते हैं। डन डन सर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा लिख लिया सबने? चलिए देखो बेटा एक सेकंड मेथड जो है, दिस इज वाइडली यूज मेथड, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड आप कह सकते हो इसको, वी कॉल इट इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड बेटा, तो इसको बोला जाता है इनिशियल रेट मेथड। ठीक है सो इसको दो टुकड़ों में पढ़ते हैं बेटा हम। पहला टाइप इसका होता है जब रिएक्टेंट केवल एक ही होता है बेटा, सिंगल रिएक्टेंट। ठीक है तो जब सिंगल रिएक्टेंट होगा तो कैसे होगी बेटू, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि मान लो ए से प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, और रेट ऑफ यहां पे है, और आपको कुछ डेटा दिया गया है, देखना बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ ए आपको दे रखी है, इनिशियल वैल्यू आपने डिफरेंट वैल्यू इनिशियल ले लेके देखा बेटा, और रेट को इनिशियल रेट को मेजर किया आपने, तो इनिशियल रेट को हमने देख लिया बेटा। मान लो इनिशियल एक बार इसको जब 0.1 मोलर लिया आपने, तो रेट आई 10^-3 मोलर। जब आपने इसकी वैल्यू को बढ़ा के 0.2 मोलर किया, तो मान लो रेट हो गई बेटा 4×10^-3 मोलर। इस तरह से ऐसा आपको मान लो डेटा दिया हुआ था बेटा। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखना, ये जो रिएक्शन और ये डेटा गिवन है बेटा, इनिशियल रेट मेथड में हम क्या करते हैं समझना इस बात को। यदि सिंगल रिएक्टेंट है तो हम मान लेते हैं लेट रेट इज इक्वल टू के A^X, वेयर एक्स इज दी ऑर्डर। मान सकते हैं हम ये बेटा, नहीं पता तो हम नेक्स्ट मान लिया, ऑर्डर नहीं पता है हमें। अब यस बेटा क्या सर। करेंगे, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना, इससे रेट को लिखेंगे हम, इस इंफॉर्मेशन से। तो चलो करते हैं बेटा सॉल्व। तो सबसे पहली इक्वेशन में बताओ क्या करूं मैं, तो बेटा रेट है ये इनिशियल रेट मोल पर लीटर, सॉरी बेटा मोल पर लीटर पर मिनट वगैरह, मतलब जो भी स्टैंडर्ड यूनिट है इसकी, है ना। अभी उस पर इतना टेंशन ना करें, कैलकुल मिला के मतलब ये अपनी स्टैंडर्ड यूनिट्स में। लेट मी रिमूव दिस, कंफ्यूज मत होना है ना, क्योंकि हर रिएक्शन का ऑर्डर के लिए अलग अलग होगी।
लेट मी रिमूव दिस, क्योंकि हमें तो डिटरमाइन करना है वो, तो इसलिए आपको डायरेक्ट नहीं दी रहती है। तो अब देखो बेटू, सो रेट की वैल्यू है, पहला पहला डेटा यूज करेंगे हम, डेटा नंबर वन। सो डेटा नंबर वन में यूज करूंगा तो आई कैन राइट इट 10^-3 इज इक्वल टू के टाइम्स 0.1 की पावर x। बोलो समझ आया? दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब देखो बेटा, डेटा टू यूज किया मैंने, सो ये हो जाएगा 4 × 10^-3 इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई 0.2 की पावर x। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। देखो बेटा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो जैसे ही सेकेंड इक्वेशन को मैंने फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो क्या बना? देखो बेटा, 10^-3 से 10^-3 कट गया, 0.2 ऊपर है अपॉन 0.1, और दोनों की पावर एक्स है। सो सी ही 4 इज इक्वल टू 2^x। तो साफ दिख रहा होगा x क्या आ गया, वॉट इज x? टू टू तो यहां की से साफ दिख रहा है पावर बेटा कि इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, तो x 2 आ गया हमारे पास। तो कितना ऑर्डर हो गया इस यस सर, रिएक्शन का? टू ऑर्डर की सेकंड वैल्यू आ ऑर्डर। गई बेटा 2। तो इस तरह से दिस इज वाइडली यूज्ड मेथड। अभी और बात करेंगे इस पे, सबसे ज्यादा यूज होता है बेटा ये मेथड अपना रेट डिटरमाइनिंग में। अपनी बुक में भी इस पे क्वेश्चन हमें मैक्सिमम मिलने वाले हैं। सो इनिशियल रेट मेथड क्या कहता है कि जब सिंगल रिएक्टेंट हो आपका, तो आप किसी तरह से हमारे पास में उस रिएक्शन को फॉलो अप करके हम उसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा, और फिर उसकी तरह से हम आगे बढ़ जाते हैं। बेटा इसी इनिशियल रेट मेथड का जो सिंगल रिएक्टेंट टाइप है, इसी का बेटा एक काइंड ऑफ स्पेशल केस बोलते हैं। एक कुछ नहीं, एक साइंटिस्ट ने इसका एक नया मेथड बना दिया जिसको हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन मेथड। ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन मेथड, तो बेटा एक्चुअली ये क्या करता है, ओस्टवाल्ड ने क्या किया कि रिएक्शन को वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर बना देता है। मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं, क्योंकि शायद बुक्स में दिया रहता है, वैसे ट्रूली स्पीकिंग कोई काम नहीं आता, तुम कर लोगे क्योंकि डेटा गिवन रहेगा, तुम तुरंत कर लोगे उससे, बट फिर भी नाम दिया रहता है तो एक बार देखना क्या होता है बेटा। जस्ट एक बार बता रहा हूं, नाम कहीं दिख जाए तो डरना मत। जैसे समझो बेटा, रिएक्टेंट दो थे, एक नहीं था, दो रिएक्टेंट थे। मान लो ए प्लस बी की रिएक्शन थी और बनने वाला था कुछ पी। तो ये क्या बोलता है कि फर्स्ट बार जब एक्सपेरिमेंट करो तो बी को बहुत ज्यादा ले लो, मतलब डाइल्यूट बी को, बहुत बी को कंसेंट्रेशन को बहुत ज्यादा कर दो, इसलिए इसको डाइल्यूशन मेथड बोलते हैं। तो बेटा बी को यदि मैं बहुत ज्यादा ले लूं, मान लो बी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, एक्सेस में है, तो क्या मैं रेट को लिख सकता हूं के डेश ए, मतलब के टाइम्स से। तो बी की भी कंसेंट्रेशन को इसमें मान लिया कुछ कॉन्स्टेंट टाइम से, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता बताओ? सूडो फर्स्ट ऑर्डर में सीखा था हमने, सर ये सूडो वाला रहेगा। काइंड ऑफ वही चीज बेटा। मतलब बी को एक्सेस में ले लिया तो मुझे जरूरत ही नहीं, इवन बी क्या यहाँ सी भी होता है ना, तीन लोग भी होते बेटा यहाँ, और दो को एक्सेस में ले लिया तो मैं रेट को एक के रेस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, तो आर इक्वल टू के ए टू दी पावर एक्स लिख सकता हूँ मैं। तो फिर यदि मेरे पास ऐसा डेटा दिया होगा तो बताओ एक्स निकल जाएगा कि नहीं? यस सर, इसी तरह फिर क्या बोलते, बिल्कुल। दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। अब वो दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, एक को एक्सेस में ले लेते हैं, एक को एक्सेस में ले लेते हैं, बी को नॉर्मल रखते हैं। तो क्या इस बार मैं रेट को लिख सकता हूं के टाइम्स बी की पावर सम एक्स? यस सर, तो बेटा यहां से यस सर, मान वैल्यू तो लीजिए, सेम ही निकलेगी, नहीं ऑर्डर तो रिएक्टेंट, सेम ही नहीं नहीं आएगा। जरूरी नहीं है बेटा, हो सकता ना बी के रेस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा हो, क्या पता। नहीं समझे? यस सर, इसको समझ एक्स गया। इसको वाई बोल बेटा, हो सकता है ना बी के रेस्पेक्ट में रेट किसी और तरह से हो। अरे होता है ना डिफरेंट रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सब यस चीजों पर सर, डिपेंड करता है। तो मान लो बेटा यहां से सोल्व करके एक्स की वैल्यू आई तुम्हारे पास मान लो 1, और वाई की मान लो तुम्हारे पास आई 2, तो ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का कितना हो गया, 3 हो जाएगा। ठीक समझ आया क्या बात? यस सर, बेटा अगेन रिपीट करता हूं, सी हियर, मेथड यही है, इसी तरह से होता है, इनिशियल रेट मेथड की तरह से समझो। बट करते क्या है बेटा कि हम दो रिएक्टेंट, अभी दो रिएक्टेंट वाला भी सिखाऊंगा मैं इनिशियल रेट में कैसे करते हैं हम, बट वो थोड़ा सा अलग है इससे। बट कई बार हमें ओस्टवाल डाइल्यूशन मेथड मिलता है, ये एक्चुअल में इसी का मतलब सब टाइप, ऐसा समझो सिंगल रिएक्टेंट का। वो रिएक्टेंट तो एक से ज्यादा होते हैं, बट उसको बना कितने देते हैं हम,
सिंगल बना देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सर। रिएक्टेंट एक से ज्यादा होते हैं, बट समहाउ हम डाइल्यूशन वगैरह करके रिएक्टेंट को सिंगल टाइप से यूज ले लेते हैं, अदर को बेटा एक्सेस में कर देते हैं वो रिएक्टेंट्स को। तो फिर केवल सिंगल पे डिपेंडेंट होता है क्योंकि अदर का चेंज ही नहीं होता ज्यादा, तो वहां से सिंगल वाले की आ गई, फिर दूसरे वाले को लेके औरों को एक्सेस कर दिया, दूसरा आ गया, कोई तीसरा होता तो मान लो दो को एक्सेस करके तीसरा निकाल लेता, फिर जो उनकी वैल्यू जाए उनके रेस्पेक्ट में उन सबको ऐड करके फाइनल ऑर्डर आ जाता है। गुड यस बेटा, बात समझ आ गई ना? कोई नई चीज नहीं है, बट लिखा हुआ मिल सकता है। आपने जैसे कोई क्वेश्चन में मिल गया ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन मेथड, डरना नहीं है, वो डेटा देंगे तुम तो एग्जीक्यूट करो, जिसको एक्सेस बोले उसको मत लेना डेट लिखने में। आ गई बात समझ? कोई अलग सर। से बताने की नीड नहीं होती, बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखे बेटा इसको। अब सेकंड टाइप पे चलते हैं, ठीक है? यहां जगह नहीं होगी, मैं सेकंड पेज पे मूव करूंगा, तो बेटा क्विकली लिखो, इसे जल्दी से लिख लो। डन बेटा, डन। तो बेटा देखो, दीज आर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो यूज होती है हमें कोई भी क्वेश्चन बेटा ऐसा दिख जाए। अब कैसे पता करते हैं ना, क्वेश्चन देख के अंदाज लग जाएगा बेटा तुम्हें, वो बोल देगा इनिशियल रेट और इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है, तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये इनिशियल रेट मेथड से होगा सॉल्व, तो इससे तुरंत लिख के शुरू हो जाओ, ऐसे दिमाग लगाना है तुम्हें। मतलब कोई क्वेश्चन है उसमें बोल दिया कि दो डेटा दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम बी को एक्सेस मान के फिर ए को मान के, तो समझ जाओ कि बी वाकिले को कंसिडर नहीं करना, वही तरीके से होगा, तो ऐसे तरीके से हो जाता है बेटा, वो अपने आप क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाता है तुम्हारे दिमाग में मेथड है। तो यस सर। बड़ू में आगे बेटा, और बच्चों का हो गया, लिख लिया हमने। सर। चलो बेटू, सो अब देखो बेटा नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास इसी का, मेथड टू का ही टाइप सेकंड। टाइप टू कौन सा है? व्हेन मोर रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट। पहला हमने सिंगल का देख लिया, तो बेटा ध्यान दो, सिंगल रिएक्टेंट आता है मैं 50% टाइम, और 50% टाइम आप कह लो दो रिएक्टेंट आते हैं, दो से ऊपर नहीं जाएगा, जाता भी है तो जो हम दो के लिए मेथड देखेंगे, हम दो के लिए सीखेंगे बेटा, वही और के लिए भी अप्लाई होता है। सो फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे मेथड को। मान लो बेटा दो रिएक्टेंट है ए प्लस बी, और उनसे मिलके कुछ प्रोडक्ट बनता है पी, और हमें कुछ डेटा दिया हुआ है इस रिएक्शन से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में या मतलब मान लो हमने वो एक्सपेरिमेंट्स किए उससे हमें डेटा मिलता है, और रेट
बेटा आपको डेटा है, जैसे समझो कि 0.1 थी इसकी कंसंट्रेशन बेटा, इसकी भी 0.1, तब रेट थी 10^-3। ये सब स्टैंडर्ड यूनिट्स में है ना, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ। दिस इज 0.2, दिस इज 0.1, तो बेटा रेट हो जाएगा 2 × 10^-3। दिस इज 0.2, दिस इज 0.2, तो रेट हो जाती है 4 × 10^-3। ये डेटा दिया हुआ है तुम्हें बेटा मान लो, और तुम्हें पूछा जाता है बेटा कि फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लो। ठीक है बेटा, ऑर्डर निकालना है हमें। तो फिर से हम क्या करेंगे, हम सेम प्रोसीज को रिपीट करने वाले हैं जो हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया बेटा, एक रिएक्टेंट के लिए किया। कैसे, तो मैं लिखूंगा बेटा लेट, अच्छे समझना सारी चीज को, लेट रेट इज इक्वल टू के। अब एक बार बेटा देखो, दोनों से चेंज हो रही है रेट, कैसे पता चल रहा है, खुद से देखो। जब दोनों की वैल्यू 0.1 थी तो 10^-3, जब बेटा केवल ए को चेंज किया तब भी रेट बदली, और जब बी को चेंज किया तब भी रेट बदली है। देखो आ रही है डाटा देख के समझ में, और नहीं भी है तुम्हें नहीं समझ आता, मान लो बेटा डेटा देख के समझ में नहीं आता, तुम तो आंख बंद करके मान लो ए की पावर कुछ एक्स है, बी की पावर वाई है, और तीन रिएक्टेंट होते तो क्या करता, क्या सी की पावर जेड मान लेता, यस कुछ भी सर। होता तो कर लेते वो। अब क्या करेंगे बेटा, सेम चीज, डेटा वन डेटा टू उठाना शुरू करो। तो बेटा ऑर्डर क्या हो जाएगा रिएक्शन का, एक्स प्लस वाई। तो ये मानने के बाद हमें पता है कि ऑर्डर जो हो जाने वाला है वो होगा एक्स प्लस वाई, तो समहाउ वी नीड टू फाइंड एक्स एंड वाई। तो आ जाओ बेटा शुरू करते हैं। तो पहले डेटा नंबर वन ले लेते हैं हम बेटा। सो डेटा नंबर वन, डेटा वन की हेल्प से हम इक्वेशन बनाते हैं। तो डेटा वन जब लूंगा तो 10^-3 इज इक्वल टू के, ए की वैल्यू कितनी है 0.1 की पावर x, बी की वैल्यू भी 0.1 की पावर y। सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन। डेटा नंबर टू लो बेटा, तो डेटा नंबर टू लिया तो दिस इज 2 × 10^-3 इक्वल टू के, और यहां से बेटा 0.2 की पावर x इंटू 0.1 की पावर y। मेरे ख्याल से बेटा दो दो इक्वेशन से काम हो जाता है जनरली। कई बार क्या होता है कि हम सेम इक्वेशन ले तो हो सकता है काम ना बने, बट जनरली दो इक्वेशन बनाने से या तीन बनाने से काम हो जाएगा अपना। तो यहां से तुम्हें दिख रहा होगा, यदि मैं इक्वेशन 2/1 कर दूं तो बताओ क्या आया, देखो 2 बच गया इधर बेटा, इधर कैसे के कट जाएगा, 0.1 की पावर y से 0.1 की पावर y कट जाएगी, ये बचेगा 0.2/0.1 की पावर x। सो दिस इज इक्वल टू 2/2 की पावर x। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया बेटा एक्स। ठीक है ना, अब एक्स 1 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो उसको, जिसमें मन करे। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है बेटा। तो देखो 10^-3 इज इक्वल टू, नहीं इक्वेशन 1 में करने से केवल नहीं बनेगी बात, हाँ देखो बेटा जरूरत पड़ जाती है, के की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से वाई की टर्म्स में। या बेस्ट क्या रहेगा, देखो क्या रहेगा, व्हाट विल बी द बेस्ट वे, हमें वाई निकालना, तो बेटा थर्ड इक्वेशन लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो थर्ड इक्वेशन में लिखता हूँ, सब्स्टिट्यूट करने की बजाय थर्ड इक्वेशन लिखते हैं। अब वो बेटा मैनिपुलेशन पार्ट है सी, थर्ड इक्वेशन लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, 4 × 10^-3 इज इक्वल टू के टाइम्स 0.2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 0.2 की पावर y। अब बेटा देखो मैंने थर्ड इक्वेशन क्यों लिखी, मुझे क्यों इंट्यूजन आया, क्योंकि मुझे केवल इन इक्वेशन को यूज करना है तो मुझे के भी निकालना पड़ेगा, बट मुझे लगा फोर्थ थर्ड इक्वेशन जब लिखूंगा तो देखो एक वैल्यू सेम है तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में, दिख रहा है सबको। यस सर। तो यदि मैं थर्ड इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो एक्स कट जाएगा और वाई आ जाएगा डायरेक्टली। तो अब के बार क्या किया हमने, थर्ड इक्वेशन बाई सेकेंड इक्वेशन। तो जैसे ही मैंने ये किया देखो 2 बचा बेटा, के एक्स वेक्स सब कट गया, दिस इज अगेन 0.2/0.1 times y, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 = 2 की पावर y। सो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1। तो यहां से मैं वन पता चल गया कि रेट, सॉरी ऑर्डर ऑर्डर जो टू है रेट को मैं लिख सकता हूं के टाइम्स ए बी, और ऑर्डर कितना आ गया, टू समझ आ गया मेथड। यस सर। अब सी बेटा ये मैनिपुलेशन का खेल है,
तुम चाहे जैसे करो, तुम्हारे पास अभी डेटा है, इक्वेशंस बन गई, तुम्हें दो इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, दो से कर लो, तीसरी बनानी पड़ रही है तीसरी बना लो, वो सब धीरे धीरे जब दो तीन क्वेश्चन करोगे तो आइडिया लग जाता है अपने आप। ये चीज़ तो बेटा सिखा नहीं सकते देखो, बट एक हिंट मिल सकता है कि जैसे हिंट दे दिया मैंने कि जैसे मुझे यहाँ पे बेटा मान लो देखना था, तो यहाँ पे ए बी चेंज नहीं हो रहा तो डिवाइड करते ही बी कट जाएंगे तो हमें एक्स मिल गया, और फिर मैंने देखा देखो यहाँ पे एक्स चेंज नहीं हो रहा, बी मिल जाएगा डिवाइड करने से इन इक्वेशंस को। गुड, अंडरस्टूड, सर अगर क्लियर इसकी है वैल्यू बेटा? सेम नहीं होती तो फिर नहीं होती तो फिर तो एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर यहां से के की वैल्यू को समहाउ निकाल लेते वाई की टर्म्स में, है ना, ये पावर को डिवाइड करके, फिर दूसरी इक्वेशन में के की वैल्यू को रख के फिर वाई की पावर वगैरह सब्ट्रैक्ट होके वो कैलकुलेशन बढ़ती थोड़ी सी, ओके सर। निकल जाता, डोंट वरी आंसर आता, चिंता मत करो आ जाता, बस वो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती। यस सर। ठीक है चलो करो, लिखो इसे जल्दी से। सो स्टैंडर्ड प्रोसीजर इजी वे में हो जाती है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आती है, एग्जैक्ट स्टैंडर्ड वे है ये सॉल्व करने के बेटा, जो हमें आने चाहिए। सर इतनी मेथड है ना। एक और है बेटा मेन मेथड, एक और है, बाकी छोटे मोटे तो कई मिल सकते हैं, कोई वो नहीं है। खूब होते हैं बेटा, फ्रैक्शनल मेथड होता है, इनिशियल वॉल्यूम मेथड होता है, प्रेशर मेथड होता है। प्रेशर मेथड पे तो एक क्वेश्चन करवाऊंगा डायरेक्ट, मेथड को अलग से डिस्कस नहीं करेंगे, सर इतने टफ कॉम्पिटिटिव में तो क्वेश्चंस होते सर हैं। सर से ज्यादा आते होंगे कॉम्पिटिटिव में तो। हाँ थोड़े से ज्यादा मेथड आते हैं बेटा इसमें। ओके बट ट्रूली स्पीकिंग बेटा बेसिक से हो जाता है सारा काम, उतनी जरूरत पड़ती नहीं है, वो अलग अलग चीजें पढ़ाते हैं जबरदस्ती की, हम भी थे तब पढ़ाया जाता था, बट अब लगता है कि उसकी जरूरत ही नहीं होती। व्हेन यू विल सॉल्व क्वेश्चंस यू विल रियलाइज दैट। अभी एक अच्छा सवाल करवाऊंगा तब पता चलेगा कि हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट से हो जाता है, कोई जरूरत नहीं पड़ती। डन डन लिख लिया सर। सर बेटा? देखो क्वेश्चंस करोगे तभी फील आएगी, सारी वैरायटी वगैरह सब डिस्कस कर रहे हैं हम। व्हेन यू विल सॉल्व देन ओनली यू विल रियलाइज कि हाँ इससे काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास में, दैट इज मेथड नंबर 3 जो है अपना मेनली हुआ, वी कॉल इट इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड बेटा। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम दोनों इक्वेशन का पढ़ ही चुके हैं कि क्या क्या रूल होता है फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का,
इस मेथड को बेटा हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। अगेन लेस यूज्ड, बट इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। लेस यूजफुल है बट इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जाता है बेटा हल्का कई बार। तो देखो बेटा कैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं, समझते हैं, प्रोसीजर समझाता हूँ बेटा। हम बोलते हैं कि आपको कुछ डेटा दिया होगा, इसमें टाइम दिया होगा मान लो, और डिफरेंट कंसंट्रेशंस दी होगी आपको रिएक्टेंट की। ऐसे मान लो एक डेटा टेबल होगी बेटा, 0 टाइम पे मान लो सी नॉट, T1 टाइम पे C1, T2 टाइम पे C2, T3 टाइम पे C3। इस तरह से बेटा आपके पास में खूब सारी डेटा होगी, और रिएक्शन मान लो दे दिया आपको SAP है, कोई भी रिएक्शन हो फर्क नहीं पड़ेगा इतना, SAP है मान लो, कोई भी रिएक्शन अपने को इस तरह से दे दी, और बेटा उसमें आपको रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन दे दिया आपको। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मारते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम 0 ऑर्डर रिएक्शन, हम मान लेते हैं कि ऐसी रिएक्शन है 0 ऑर्डर। तो बताओ मैंने 0 ऑर्डर रिएक्शन यदि मान ली, तो क्या रूल था 0 ऑर्डर रिएक्शन का, क्या रूल था, कंसंट्रेशन एट 0 टाइम माइनस कंसंट्रेशन एट टी टाइम इक्वल टू के टी, याद करो डिस्कस किया है हमने ये 0 ऑर्डर का। यस सर, तो हम मान लेते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन हमने मान लिया ऐसा, तो हम ये रूल लगाएंगे इस डेटा पे। तो बेटा फर्स्ट डेटा के लिए लिखते हैं हम इस C1 से C0 के लिए, तो बेटा T0 तो C0 है माइनस C1 टाइम T1 पर इज इक्वल टू KT1, दिस इज फॉर फ्रॉम फर्स्ट डेटा बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख ली हमने। इसी तरह बेटा देखो दूसरी इक्वेशन लिखते हैं हम, तो कैसे लिखे, मान लो C0 माइनस C2 और ये टाइम T2 पे होता है ऐसा। इसी तरह बेटो मान लो C0 माइनस C3 इक्वल टू KT3। ऐसे हम क्या करते हैं बेटा, इक्वेशंस बना लेते हैं चार पांच, जनरली पांच इक्वेशन तक जाते हैं प्रैक्टिकल जब करते हैं, मैंने बता दिया बेटा पांच रीडिंग्स हम प्रिफर किया करते हैं। इन सब इक्वेशंस को मिला के हम K की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि बेटा टेबल में सब वैल्यू तो दी हुई है, T1 पता है, C0 पता है, C1 पता है, T2 पता है, C2 पता है, C0 पता है। हम क्या करते हैं, इन सबसे K1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, और K1 को बेटा, K को हम अलग अलग वैल्यू मानते हैं, यहाँ यहाँ K2 बोलते हैं, K3 बोलते हैं, और K4 वगैरह। सो वॉट वी से, इफ K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 एंड सो ऑन, मतलब तीन चार पांच वैल्यू फाइंड की और वो सेम आ गई, तो क्या हमारा अजम्पशन सही है? समझे क्या बात को यस सर, समझ आ गई। बेटा, समझो क्या हुआ, हमने तुक्का मारा कि 0 ऑर्डर है, और 0 ऑर्डर मान के हमने रेट लो लगाते गए। यदि बेटा अब समझो ध्यान से, क्या कांस्टेंट बदलेगा क्या, चाहे कुछ भी कंसंट्रेशन बदल लो, रेट रिएक्शन कांस्टेंट नो है, रेट सर, कांस्टेंट बदलेगा क्या, नहीं। यदि ये तीनों सेम, तीन वैल्यू मान लो हमने निकाली और वो तीनों सेम आ गई, तो 100% हो गया कि रिएक्शन 0 ऑर्डर है, मतलब जो हमने माना सही है। सपोज करो ये सेम नहीं आए तो क्या करोगे, सर फिर फर्स्ट का ट्राई करेंगे, फिर हिट एंड ट्रायल का लेवल बढ़ाएंगे, फिर हम क्या बोलेंगे, सर फर्स्ट ऑर्डर का ट्राई करेंगे। अज्यूम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम मान लेंगे बेटा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या रूल लिख सकते थे बेटा, आपको पता है 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन AT इक्वल टू KT। तो बेटा फर्स्ट डेटा यस के लिए सर, लिखूंगा मैं, तो फर्स्ट डेटा के लिए लिखूंगा तो इट इज 2.303 लॉग ऑफ C0 अपॉन C1 इक्वल टू KT1, K1 बोलते हैं अभी। इसी तरह बेटा 2.303 लॉग ऑफ C0 अपॉन C2 इक्वल टू K2T2 एंड सो ऑन, आगे चलती जाएगी गाड़ी। अब यहां कंपेयर करेंगे बेटा, इफ K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 एंड सो ऑन, यदि ये सेम आ गए तो ऑर्डर कैसा हो जाएगा, फर्स्ट तो ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट हमारे। इसलिए बेटा देखो, हमें एक तो बहुत
बेटा अगेन आई एम सेइंग केमिकल काइनेटिक्स इज अ कंप्लीट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बेटा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडीज होती है, बहुत चीज़ें चलती है। हमको लिमिट कर दिया गया है। तो यदि कोई क्वेश्चन होगा बेटा जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी या इंटीग्रेटेड रेट लो की जरूरत पड़ जाएगी, वहाँ हमें इन दो से काम हो जाएगा। इसके बियॉन्ड हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। क्या सर बात इजी समझ आ तो है रही मगर है? सर लेंथी लग रहा है। हाँ लेंदी हो जाता है बेटा, थोड़ा सा टफ हो जाता है, मतलब टाइम लग जाता है इनको करने में, यस सर। समझ रहे हो? तो अपने तो फिक्स है बेटा, होता है। देखो एक और फायदा है अपने अपने क्या, जीरो ऑर्डर बहुत जल्दी हो जाता है, ये कैलकुलेशन टफ नहीं होती। देखो तो पहले क्या, जीरो ऑर्डर तुक्का मारेंगे, यदि नहीं बैठा सही तो हमें पता है आंसर फर्स्ट ऑर्डर आएगा, ठीक यस सर फर्स्ट ही बचा। है? तो फिर बस इसको किसी तरह फटाफट से कैलकुलेशन दो ही कर लो, बोल दो कि सेम है, तो फिर आगे टाइम पे मत हो, दो डेटा पे भी बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बट मैंने बताया जनरल प्रैक्टिकल वे में कैसे फॉलोअप किया जाता है, अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम आएंगे यदि डेटा प्रैक्टिकल है तो। कहीं हो सकता है K1 की वैल्यू मान लो बेटा आपकी है 0.124 फर्स्ट बार में, और सेकंड बार में मान लो K2 की वैल्यू आए 0.126। अब इसको सेम सही मानेंगे हम, बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं मानेंगे इसको। डेविएशन कब हुआ? जब एक वैल्यू मान लो आ रही है 0.124 और एक वैल्यू आ रही है मान लो 0.230 समथिंग कुछ, ये बहुत दूर दूर है। बट 0.1 थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा, तो वो कंसिडरेबल होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल डेटा में थोड़ा सा डेविएशन आता ही आता है, आप सबको पता है ये, क्लियर? सर एग्जाम में से 0 फर्स्ट के अलावा नहीं देंगे कोई नहीं आना चाहिए बेटा, ऑर्डर नहीं का। आएगा, नहीं आएगा बिल्कुल, है ना? अपने नहीं आता इससे रिलेटेड, बाकी है ही नहीं बेटा, पार्ट ही नहीं बनाया हुआ सिलेबस का। डोंट वरी, मैं आपको nth ऑर्डर करवाऊंगा एंड में, बट आता नहीं है, ट्रुथ इज नहीं आता है, बट वी ओके विल डू, एक सर बार बता दूंगा कि किसी भी ऑर्डर n ऑर्डर की किसी भी ऑर्डर के आए तो हम कैसे डील करते हैं। तो जल्दी से इसको लिखो, क्विकली लिख लो थर्ड मेथड को, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। और बेटा सी मैं फिर बोल रहा हूं अब आपको, केवल आरहेनियस इक्वेशन जो आती है और आपकी मेन इक्वेशन आएगी एक टेम्परेचर डिपेंडेंस की, उसके अलावा पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस वगैरह आप लगाना शुरू कर सकते हो। करो क्वेश्चंस, अच्छे से करोगे 100% क्वेश्चंस होंगे और उनका रिजल्ट भी मिलेगा आप ढंग से करोगे तो। बेटा देखो प्रोसीजर दिमाग में रखना पड़ेगा हमें, वो तो दिमाग में होनी ही चाहिए, उसके बिना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो एंड दीज आर स्टैंडर्ड वे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं आता है, क्वेश्चन डेटा दिया हुआ है, सेम चीज फॉलो करेंगे, अपने आप काम हो जाता है, देयर इज नथिंग टू वरी एट ऑल।
डन। डन। यस सर। चलो बेटा देखो आगे, सर दोनों ने ना लिख लो बेटा, जल्दी लिख लो। डन बेटा। बेटा सी, फायदा जब होगा हमें, जब हम काम करेंगे अच्छे से तभी जाके फायदा बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत आने वाली है। एंड स्टिल बेटा देखो, मुझे फिर कॉल्स करने पड़ेंगे, प्लीज डू द होमवर्क एंड सबमिट द होमवर्क, ठीक है? नेक्स्ट देखिए बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। एज सच जो अब डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कोई एक स्पेसिफिक मेथड तो नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। मेथड फोर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इनडायरेक्टली। क्या है बेटा ये मेथड? हम ये बोलते हैं टी हाफ से पता करते हैं बेटा, तो हम इसको हाफ लाइफ मेथड बोल देते हैं। कई बार बेटा लिख मिल सकता है हमें हाफ लाइफ मेथड नाम से। तो इसमें क्या होता है बेटा, आप हाफ लाइफ मेजर करते हो रिएक्टेंट्स की। तो जैसे आपको पता होगा, हमने फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए याद करो क्या किया था हमने, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ आई थी ए अपॉन टू के, यही थी क्या? याद आ रहा है क्या? या टी हाफ लिख देते हैं, यस मतलब सर। टी हाफ जो होती है बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, वो कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर की एक हाफ लाइफ कैसी होती है? अरे कांस्टेंट होती है, हे भगवान, नोट करके लिखवाया है दोनों पॉइंट, भूल गए? टी हाफ बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए कांस्टेंट होता है हाफ लाइफ। तो सपोज करो हमें कोई डेटा दे दिया और उससे हम चेक कर रहे पे पता चला कि हाफ लाइफ तो बदल ही नहीं रही, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? आधा होने का टाइम सेम फर्स्ट है, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, और यदि कंसेंट्रेशन के साथ चेंज हो रही है तो से जीरो ऑर्डर। अच्छा बेटा, अभी हम ये प्रूफ नहीं करते बट मैं बता देता हूँ, फॉर nth ऑर्डर कोई भी ऑर्डर हो बेटा, n ऑर्डर की रिएक्शन, उसके लिए टी हाफ जो होता है ना बेटा, वो प्रोपोर्शनल होता है कंसेंट्रेशन की पावर 1 - n। वेयर एन इज दी ऑर्डर है ना। तो क्या बेटा इवन टी हाफ के कोई और रिएक्शन हो तो भी पता कर सकते हैं क्या? कोई और ऑर्डर चलो दे सर, किसी दो। भी ऑर्डर का निकल जाएगा, पता हाँ टी हाफ, चल जाएगा। हाफ टाइम से बेटा पता चल जाता है, ये बहुत आसान होता है अदर ऑर्डर के लिए, हाफ हाफ लाइफ मेथड जो होता है। तो यहाँ पे टी ओके हाफ को देखो बेटा और उसको चेक कर लो कैसा है। तो जैसे फोर ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर के लिए बताओ क्या होगा, बताओ? तो क्या हमारा टाई हाफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन आ जाएगा क्या? क्योंकि यहां टू रखूंगा तो कंसेंट्रेशन की पावर -1। तो यस सर, ऐसे तो बेटा जिस भी चाहो हम कंपेयर कर सकते हैं। सपोज करो कंसेंट्रेशन बढ़ाने से यदि टाइम गिर रहा हो तो काइंड ऑफ सेकेंड ऑर्डर हो सकता है, प्रोपोर्शनलिटी क्या है उससे अंदाज लगा लेते हैं बेटा। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड जहां पे हम हायर ऑर्डर का भी पता चल जाता है हमें इजी वे में, मतलब ये टफ नहीं होता है, और ये तो स्टैंडर्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बेटा ये ऑलरेडी बता दिया जाता है, बट समटाइम्स अगेन हमारे बुक में हो सकता है कि ये मेथड अलग से लिखा हुआ मिल जाए आपको कि क्या है, तो डरना नहीं है। ये तुम तो याद रख लो किसी तरह से, ये याद रख लो, रख पाओ तो,
कि किसी भी रिएक्शन एन ऑर्डर की हो उसका टी हाफ इस तरफ प्रोपोर्शनल होता है। तो बेटा एन की वैल्यू जीरो रखेंगे तो वन रखेंगे तो जीरो, तो टी हाफ कॉन्स्टेंट हो जाएगा। समझ गए? यस सर। तो जल्दी से लिख लो बेटा इसे भी। वी कॉल इट हाफ लाइफ मेथड, तो ध्यान रखना है इसको भी, थोड़ा सा रखना ध्यान। बाकी जनरली क्वेश्चंस कम मिलते हैं बेटा, और आता है तो वो फर्स्ट जीरो का आता है, वो हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चंस में अर्लियर। लिख लिया सबने? तो बेटा चार मेजर मेथड डिस्कस किए। फर्स्ट मेथड आपका जो बहुत बेसिक मेथड है हमारे पास, ग्राफ वाला। सेकंड मेथड हमने देखा बेटा इनिशियल रेट मेथड। तो उसके दो सब टाइप, या तो सिंगल रिएक्टेंट हो तो बहुत सिंपल वे में हो जाता है, या दो जी रिएक्टेंट, बट जनरली बेटा सिंगल या दो ही आते हैं, बट ज़्यादा भी आएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, हम सॉल्व कर सकते हैं। उसी में मैंने एक सब टाइप बताया जिसको हम कहते हैं बेटा ओस्टवाल डाइल्यूशन। तो उसमें डरना नहीं है, जो एक्सेस में है उसको भूल जाओ कि था भी, और सॉल्व कर लो नॉर्मल तरीके से, तो बहुत आसानी से हो जाता है। तीसरा मेथड हमने देखा, कौन सा मेथड देखा था? हाँ, हिटेन ट्रायल वाला, रेट लो एक्सप्रेशन, रिमेम्बर है? समझ तो आ रहा यस है सर। सबको? तो तीसरा मेथड हो गया बेटा हिटेन ट्रायल वाला, रेट लो वाला, तो वो हमने कर लिया। और फोर्थ एंड फाइनल मेथड हमारे पास कौन सा आ गया? हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, तो ये जनरल हो गए बेटा। अगेन लाइक आई एम सेइंग, पूरा पीएचडी हो जाता है बेटा, देर आर लॉट ऑफ अदर मेथड्स आर अवेलेबल, बट इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, ये भी बहुत है हमारे लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन करेंगे। पर किस पे ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं? किस सब पे बेटा? इन पे सब पे बन जाते हैं क्वेश्चंस। आप करना एक बार, क्वेश्चंस करोगे तभी आना शुरू होंगे बेटा वो दिमाग में, बट प्रोसीजर क्लियर है तो हो जाएंगे यस क्वेश्चन, डोंट वरी। एक सवाल देता हूँ बेटा मैं, ये चीज़ें थोड़ी लिटिल टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक टेबल दी हुई है बेटा, जैसे डेटा दिया हुआ है टाइम, और टाइम 0 पे और 10 मिनट पे सिचुएशन है। टाइम 0 पे बेटा पी टोटल, दिस इज टोटल प्रेशर, ठीक है, ध्यान से देखना, दिस इज टोटल प्रेशर एंड द यूनिट्स गिवन आर टोर, दिस इज 100 एंड दिस इज 150। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज पी टी, इट इज टोटल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, टोटल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन रिएक्शन। ठीक है बेटा, टी इक्वल टू 0 पे सिचुएशन और टी इक्वल टू 10 पे है। अब दिमाग लगाना पड़ेगा, रिएक्शन क्या है? ए गैस से बेटा इससे बनती है बी गैस प्लस 2 टाइम्स सी गैस, एंड इट इज गिवन दैट दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी आपको दे दिया गया है। ठीक है बेटा, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यदि तुम ढंग से, अभी मैं भी करवाऊंगा बेटा, पहले खुद ट्राई करना एक बार, समझ के कर लोगे तो ऐसा मान के चलो बेटा इससे टफ क्वेश्चन अपने बोर्ड्स में नहीं आएगा। दिस इज द लिमिट यू कैन सी इन केमिकल काइनेटिक्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल एंड ट्रिकी क्वेश्चन। टफ तो फिर भी शायद कर लोगे, बट थोड़ी सी ट्रिक काम आती है यहाँ। तो क्विकली देखते हैं बेटा, तीन पार्ट पूछे हैं हमसे इसमें। कैलकुलेट टी हाफ, मतलब टी हाफ लिख दिया मतलब हाफ लाइफ बेटा, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। सेकंड, टोटल प्रेशर एट हाफ लाइफ टी टाइम, एंड थर्ड पार्ट बेटा मैं पूछ रहा हूं टोटल प्रेशर एट ट्वाइस ऑफ टी टाइम।
सर मैं प्रेशर को किसी चीज में बदलना पड़ेगा क्या? ना, किसी में नहीं बदलना, दिमाग लगाओ बेटा। इट विल बी डन काइंड ऑफ मॉल बेस्ड बेटा, मॉल कॉन्सेप्ट के थोड़ा सा यूज आएगा, दिमाग लगाओ। देखें, हिंट देता हूं बेटा, इनिशियली केवल ए होगा, तो पीए कितना है जीरो टाइम पे, क्या 100 हो जाएगा? यस सर। बट थोड़ी देर बाद क्या होगा बेटा, किसी भी टी टाइम पे टूट जाएंगे। तो ये टूट जाएंगे यदि, तो आपके यहां से मान लो कुछ एक्स टूटा, ये एक्स बना, ये 2x बना, और फिर सोचो कि कितना प्रेशर टोटल है, तो क्या होगा? नाउ दिस इज यू नीड टू थिंक, और अभी मैं फिर इस सब पे कुछ नहीं बता रहा, ये 10 मिनट की सिचुएशन है। क्या है, थोड़ा सा सोचो, 5 मिनट लगाओ क्वेश्चन पे, ट्राई टू सॉल्व इट, थोड़ा दिमाग लगा के कर पाते हो क्या? देन आई विल एक्सप्लेन इट। आई हैव गिवन यू द हिंट, दिस इज इनिशियल प्रेशर, मान लो टी इक्वल टू 10 पे एक्स एक्स वगैरह टूटता है, फिर मोल कॉन्सेप्ट यूज करो, वहां से एक्स निकालो, एंड देन यू कैन सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन, देन इट इज जस्ट अ केक वॉक। उतना करने के बाद केवल इक्वेशन का खेल है, दैट्स इट। एंड डेटा में दे देता हूं जो आपको यूज करना है, लॉग 3 0.48, लॉग 2 की वैल्यू को ले लेना 0.30, और लॉग 4 की रिक्वायरमेंट हो तो ले लेना 0.60। ये जरूरत पड़ेगी तो मेरी ये क्वेश्चन में, बट पता नहीं आज तक पहुंचोगे कि नहीं। अ वेरी गुड एंड वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बेटा। टाइम टी पर ए का प्रेशर कितना होगा 10 मिनट पर, ये निकाल दो तुम, तो जो ये निकाल देगा उसका क्वेश्चन हो जाएगा। टी इक्वल टू 10 मिनट पर प्रेशर ऑफ ए, शुरुआत तो 100 है क्योंकि ए से शुरू होगी रिएक्शन। टी इक्वल टू 10 मिनट पर ए का प्रेशर कितना होगा, जो ये निकाल लेगा उसका क्वेश्चन हो जाएगा। एनी हिंट बेटा, अप्रोच कर पा रहे हो? चलो बेटू, एटलीस्ट किसी का भी ये आया, टी इक्वल टू 10 मिनट पर ए का प्रेशर कितना होगा। यदि नहीं आया तो बेटा फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाएंगे उसके बिना। चलो देखिए बेटा, सॉल्व करते हैं। सर 178 है क्या? नहीं बेटू, चलो बेटा 500 से कम ही आएगा ना, 178 कैसे आएगा बेटा? सी, दिस इज ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चन जिसमें टोटल वैल्यूज दी होती है बेटा। मान लो आपको टोटल मोल्स दे दे, चाहे टोटल प्रेशर दे दे, तो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम का एक वर्जन है बेटा, जो मैं बता रहा हूँ आपको इससे टफ नहीं आएगा टोटल देने वाले से।
अपने बोर्ड में तो कभी नहीं आएगा। तो ढंग से देख लो कैसे करता है, एक बार अप्रोच सीख लो बेटा। तो यहाँ प्रेशर है तो बेटा प्रेशर से हैंडलिंग करेंगे, मॉल्स होते तो मॉल्स से हैंडल करते, जो भी वैल्यू दी होती उसके अकॉर्डिंग कर लेते बेटा। क्योंकि मॉल कॉन्सेप्ट में प्रेशर हो चाहे मॉल्स हो सिमिलर हैंडल होता है बेटा। मैं सबसे पहले सेक्शन को लिखूंगा, प्लीज कीप ऑन नोटिसिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो, क्योंकि नंबर कटेंगे तो वो ऐसा क्वेश्चन आ गया वही कट सकता है इस चैप्टर में, बाकी नहीं कटेगा। सॉरी बेटा। तो देखो बेटू, टी इक्वल टू जीरो पे क्या बी और सी का प्रेशर हो सकता है क्या? खुद से सोच के बताओ, कॉमन सेंस बात है ना बेटा। टी इक्वल टू जीरो पे जितना भी प्रेशर हो वो एक का ही होगा, क्योंकि रिएक्शन ऐसे शुरू हो रही है। तो टी इक्वल टू जीरो पर पूरा का पूरा 100 केवल एक के पास था और बी और सी का प्रेशर था जीरो। ये पहली लाइन समझ में आती है क्या? यदि कहीं पे कोई दिक्कत हो तो पूछो मुझसे। यस सर। इनिशियली बेटा टी इक्वल टू जीरो पे देखो रिएक्टेंट ही मौजूद होगा ना, प्रोडक्ट कहाँ से आ जाएगा, ये तो बना ही नहीं है अभी तक। अब हम टी इक्वल टू 10 मिनट, किसी भी टाइम टी पे बात कर लेते हैं बेटा, 10 मिनट यूज कर लो उसे, सेम चीज होती है बेटा। तो मैं अभी के लिए टी इक्वल टू 10 के लिए जैसे कोई भी टी बोल सकता हूँ बेटा, मैं किसी भी जनरल टी है 10 पे। तो मान लो बेटा इसका जो प्रेशर था 100, उसमें से एक्स का डिक्रीमेंट हो गया। तो इसमें से मान लो बेटा एक्स का डिक्रीमेंट हो गया। अब बिटू मोल कॉन्सेप्ट लगेगा, देखो इसका 1:1 है, ये 1:1 है, तो इसका एक्स का डिक्रीमेंट हुआ तो ये एक्स ही बना, क्योंकि इनका रेशियो 1:1 है। और इसका एक्स का डिक्रीमेंट हुआ तो इसका और इसका रेशियो है 1:2, मतलब इसके 1 से इसके 2 पार्ट्स बनते हैं। तो इसके एक्स से इसके कितने पार्ट्स बनेंगे? 2x पार्ट। समझा क्या इतना? सेकेंड स्टेप में कोई यस भी सर, दिक्कत हो तो पूछ लो। नो सर। वापस देखो बेटा, मान लिया कि टी इक्वल टू 10 मिनट पर इसमें से कुछ इसका प्रेशर बेटा ऑब्वियसली कम होगा ना, ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शन कर रहा है, रिएक्ट होके बेटा टूट के बी और सी में टूट रहा है, तो ये कम होगी इसका अमाउंट, तो इसका प्रेशर भी कम होगा बेटा। तो हमने मान लिया एक्स प्रेशर कम हो गया इसका, तो बी कितना बना? तो सर जो इनके रेशियो होते हैं ना उसी रेशियो में जाते हैं ये, तो इसके 1 से इसका 1 बन रहा है तो एक्स ही बन गया, इसके 1 से इसका 2 बन रहा है मतलब 2x बन गया बेटा। अब बताओ टोटल प्रेशर कितना हुआ? पी टोटल क्या मैं लिख सकता हूं? 100 - x + x + 2x। सोचो जरा। यस सर। एंड दिस इज गिवन टू अस एज इक्वल टू 158, टी इक्वल टू 10। तो सॉल्व कर लो। सो 1x से x गया बेटा, 2x इक्वल टू 150। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आपकी आ गई, सॉरी सॉरी 50, 2x इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू आ गई 25। तो बेटा x 25 आते ही क्या मुझे पता चल गया t इक्वल टू 10 पे a का प्रेशर कितना है? तो ध्यान से देखो बेटा, सेवेंटी फाइव प्रेशर ऑफ a एट जीरो टाइम इज 100, प्रेशर ऑफ ए एट टी टाइम जो कि 10 सेकेंड है बेटा, तो 10 मिनट पे इसका प्रेशर हो गया 75, दैट इज 100 - x। तो क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? तो मैं ए के लिए रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर का रूल लगा सकता हूं, लगा ही सकते हैं। यस तो सर। बेटा देखो, इसके लिए रूल लगाएंगे हम तो क्या रूल हो जाएगा, 2.303 लॉग ऑफ, अब बेटा प्रेशर है तो प्रेशर आ जाएंगे, तो पी ए नॉट अपॉन पी ए टाइम टी इक्वल टू के टी, सबकी वैल्यूज रख दो। तो सबकी वैल्यूज रख के क्या आया देखो, 2.303 लॉग ऑफ टी नॉट इज 100 अपॉन 75 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई टी, टी इज 10 मिनट। तो अब ये आपका काम है, इसको लिखो और मुझे के की वैल्यू निकाल के दो यहां से। चलो करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के।
कैलकुलेटर यूज मत करना, टेक दिस डेटा विच इज गिवन टू यू, क्योंकि अच्छा आंसर आएगा बहुत इससे। हाँ और लेट से फाइंड के केवल लॉग की वैल्यू रख दो बेटा, 2.303 को ऐसे ही रहने दो, इसके टर्म्स में फाइंड कर लो के 2. पूरा मल्टीप्लाई वगैरह मत करना, केवल लॉग को सिंप्लीफाई कर लो फाइंड के। व्हाट आई वांट के इज 2.303 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय सम वैल्यू ऑफ दिस लॉग, इसके टर्म्स में के निकाल के दे दो मुझे, दैट्स इट। डू दिस क्विकली, डू नॉट सॉल्व कंप्लीटली, केवल लॉग की ये वैल्यू फाइंड करो यूजिंग द गिवन डेटा। जैसे बेटा आप के निकाल दोगे, ये समझ लो क्वेश्चन डन है, क्योंकि टी हाफ कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, कॉन्स्टेंट, ln 2/k बेटा कांस्टेंट तो होता है, बट उसकी वैल्यू होती है ना ln 2/k, तो यस सर। वहां से टी हाफ आ जाएगा तुरंत। 2.303 × 0.12 / 10 कितना आ रहा है बेटा? हाँ 0.12, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इट इज 0.12 आएगा, वेरी गुड। और बच्चे सॉल्व करें बेटा, ऐसा क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एक देर इज वन एग्जाम्पल इन एनसीईआरटी ऑन सिमिलर पैटर्न, तो देखते हैं आप कर पा रहे हो कि नहीं। डन बेटा, हमने लिख लिया, सर लॉग की वैल्यू सर 1.2 ही आ रही है। 0.12 आएगा बेटा, मैं चेक करता हूँ बस। log 100/75 मतलब log 4/3, तो log 4/3 को लिख सकते हैं बेटा log 4 - log 3, और बाकी डेटा दिया हुआ है तुम्हें, और नहीं तो नेट कैलकुलेटर से भी निकाल के देख लो, अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा बेटा log 4/3। सर लिख लिया बेटा हमने, बेटा देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो आगे का थोड़ा माइंड में होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले तो बोल दिया के पूरा फाइंड कर लो, बट मैंने फिर देखा के तो किसी ने पूछा ही नहीं, तो मैं पूरा क्यों सॉल्व करूं, तो के को मैंने 2.303 के टर्म्स में ही रख दिया, क्योंकि आगे काम आ जाएगा ये टी हाफ निकालने में, वो कट जाएगा सीधा सीधा, तो बिना काम मेहनत करते पूरा फाइंड करने में और आगे जाके और दिक्कत होती, तो समटाइम्स थोड़ा आगे का माइंड में रहना चाहिए कि ये निकालना है तो क्या पूरा सॉल्व करने की नीड है कि नहीं, और जनरली नहीं करना चाहिए जब तक आगे तक ना जाए, वो चीज़ नहीं पूछी है तब तक। बेटा सर, सबने लिख लिया, मैं आगे बढ़ जाऊं, यस सर। चलो बेटा देखो, सो के हमारे पास क्या आया देखो बेटा, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, इक्वल टू 2.303 / 10, ये आएगा log of 4/3, दिस इज इक्वल टू 2.303 / 10, आई कैन राइट दिस log 4 - log 3, बेटा log का रूल लिखाया था, और ये log 4 की वैल्यू 0.6 0.8, तो यहाँ से बेटा ये आ जाता है 2.303 / 10 log, सॉरी 0.12। अब बेटा देखो टी हाफ क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ होता है ln 2/k, सो दिस कैन बी रिटन एज 2.303 log 2/k, देखो जानबूझ के मैंने इसलिए के को 2.303 को नहीं हटवाया, आ गया समझ में क्यों नहीं हटवाया, अभी माइंड में हल्का सा आगे होना चाहिए दिमाग में, कभी सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चंस को, वो प्रैक्टिस से आ जाता है, और हमें दिमाग बेसिक चीज बेटा याद रहती तो आसान है। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ के, तो बेटा देखो क्या बना, 2.303 log 2 इज 0.30, अपॉन इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूंगा तो 2.303
303 इंटू 0.12 और ऊपर गया 10 बेटा, इससे ये कट गया। और देख लो सब कुछ कट पिट के क्या वैल्यू आ रही है, टी कम्स आउट टू बी 30 इंटू 10 डिवाइड बाई 12। 2 से कट किया 6, 2 से कट किया 5, 6 से कट किया 5, आंसर कम आउट टू बी 25 मिनट। कितना प्यारा आंसर आ रहा है सोचो, आ रहा है क्या? हाँ अच्छा आया मजा सवाल करके। अब बताओ बेटा नेक्स्ट पार्ट कैसे करें? ये पूछ रहा है कैलकुलेट टोटल प्रेशर एट हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पे कितना टोटल प्रेशर होगा बताओ कैसे कैलकुलेट करें? कैलकुलेट टोटल प्रेशर एट हाफ लाइफ। अरे बेटा हाफ लाइफ पे एक कितना खत्म हो जाएगा अब ये तो बताना चाहिए ना। ए से बी प्लस सी बन, टू सी बन रहा है बेटा। ए टी इक्वल टू 0 पे कितना है, 100। यस हाफ लाइफ पे कितना खत्म हो जाएगा, अरे 50 खत्म हो सर, जाएगा ना, 50 50। आधा तो 1000 में से 100 में से 50 गया, तो ये कितना बना और ये कितना बना, 100। ये पार्ट टू सोल्व कर रहे हैं बेटा हम, तो ये 50 बचा, ये 50 और ये 100 बना, तो देख लो टोटल कितना आ गया टी हाफ पे, 100 प्लस 50 प्लस 50 तो 200। तो टी हाफ पे टोटल प्रेशर है बेटा 200। अब थर्ड पार्ट देखो क्या है, टी इक्वल टू 2t हाफ पर। अब ये तो करके बता दो कितना आएगा सब बच्चे। सी पार्ट करके बताओ जल्दी से जरा। अरे किसी भी टाइम पे पूछे अब तो बेटा आना चाहिए, जल्दी करो जरा। सर 400 और गड़बड़ मत करो बेटा, टी हाफ 2t हाफ पे ये 50 का भी आधा मतलब केवल 25 बचेगा, तो कितना टूटा सोचो। सर 100 और टी इक्वल टू 2t पे देखो बेटा लॉजिक लगाओ, 100 था टी हाफ पे 50 बचा, 50 का भी आधा टूट जाएगा, तो एक्चुअल में ये 100 में से 75 टूट गया, तो 75 टूट चुका है, तो बी कितना बना होगा और सी कितना बना होगा, 100 ये बचा कितना 25, तो कितना आ रहा है पी टोटल। अरे बेटा 25 ही बचेगा ना 2t हाफ पे, तो 25 बता दो टूटा कितना, 75, तो 75 यस सर 75 वन 50, तो टोटल कितना बच गया 250। सर मैं बी को भी ना पहले 25 रख रहा था सर, गलती हो गई। नहीं 25 तो बचा बेटा, टूटा कितना वो देखो, यस कंफ्यूज सर नहीं अब समझ होना, गया। टी हाफ पे 50 टूटा था 50 बचा, यहां ये 25 बचेगा 2t हाफ के बाद, मतलब 50 से भी आधा बचेगा, तो 25 बचेगा तो टूटा कितना 75 टूटा। यस सर गलती ना करे, अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए बेटा। सी यदि आपको ये चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है नहीं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, कई चीजें तो याद करने बेसिस पे है बेटा। जैसे हमने चार मेथड डिस्कस किए वो दिमाग में होने ही चाहिए कैसे अप्रोच लगाते हैं, तो इन सबको पढ़ोगे और इन पे क्वेश्चंस एक एक दो दो कर लोगे ना, तो ये 100% माइंड में फिट हो जाएंगे, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा, भूल जाएंगे हम थोड़े ही टाइम में ये। इट्स अ वेरी बेसिक प्रोसीजर बेटा, हम भूल जाते हैं और फिर फायदा नहीं रहता है। क्या जो बातें समझाई बताई आ रही है बात दिमाग में?
इस क्वेश्चन को हम दोबारा करने की कोशिश करें, दोबारा ट्राई करो आप सभी इसको एक बार, तो दोबारा जब करोगे तो पता चलेगा कि क्या हम सही से कर पा रहे हैं इसे एक बार। सॉल्यूशन आपके सामने है बेटा, मैं अपलोड कर दूंगा स्लाइड्स, ट्राई टू डू इट वंस अगेन, अदरवाइज फिर डिफिकल्टी बनी रहती है ऐसे सवालों में। सर इससे हार्ड नहीं आएगा? नहीं इससे हार्ड टेंट नहीं आता, बोर्ड में तो नहीं आता, डोंट वरी, है ना। पी टोटल मतलब टोटल प्रेशर या टोटल मोल्स देने वाला क्वेश्चन, ये समझ लो अपने लिए टफ होता है। हाँ कैलकुलेशन टफ हो सकती है, देखो बेटा आप कैलकुलेशन टफ का मतलब वो जो रेट डिटरमाइनिंग ऑर्डर डिटरमिनेशन वाले मेथड देखे हैं हमने, उनमें गंदा डेटा आ सकता सर अप्रोच है इसकी ना। सोचना सर थोड़ा हार्ड था। हाँ तो वो डेटा गंदा आ सकता है वहां पे, उसके लिए तो कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है देखो, बट ट्रिक वे में या कॉन्सेप्चुअल वे में इससे टफ चीज अपने नहीं आएगी टोटल देने वाले की। तो टोटल देने वाले पे दिमाग लगा लो कि तुम्हें कुछ मोल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि एक्स वैक्स टूटा और फिर उसके बाद में सॉल्व होके तुम्हारा वो आए कि फिर आगे पूरी कहानी होगी उसमें, तो ये दिमाग लगाना है हमें। अंडरस्टूड? यस सर। तो बेटा आफ्टर दिस वी आर रिमेनिंग विद टू टॉपिक्स इन द चैप्टर मेनली, वन इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड वन इज द कोलिजन थ्योरी, और आरहेनियस इक्वेशन वगैरह सब कोलिजन थ्योरी का ही पार्ट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना, कि सरफेस पे कैसे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे कैसे डिपेंड करता है वो सब। कंसिडर अराउंड 90 to 95% ऑफ द चैप्टर गेटिंग फिनिश इन द नेक्स्ट क्लास। थोड़ा बहुत बेटा बचेगा जो कि कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म, और थोड़ी बहुत चीजें बचेगी हार्डली, बाकी मैक्सिमम फिनिश हो जाएगा अपना नेक्स्ट क्लास में चैप्टर। तो ध्यान से करें, जनरली बेटा इट गेट्स फिनिश इन द फोर क्लासेज, केमिकल काइनेटिक्स में इतना टाइम लगता है नहीं, बट इट्स फाइन, भी हम लिखने में भी टाइम देते हैं और समझते भी है, इट्स टोटली फाइन, आई एम ओके विद इट। यदि हम 1 से 2 लेक्चर एक टॉपिक के लिए एक्स्ट्रा भी लगा रहे हैं, देर इज नो इश्यू इन दैट, बट उसका आउटपुट थोड़ा निकलना चाहिए, तुम पढ़ के थोड़ा क्वेश्चन वगैरह लगाओ, ठीक है, गुड। ओके सर, तो यस बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड मैथ्स वाले बच्चे टाइम पे मैथ्स की क्लास ज्वाइन करें। सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर, बेटा। थैंक यू सर।